तो रोज़ कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो आज भी जा रहे हैं। और आज जो है माँ इधर जा रखे पीछे वाले जो गदेरे वाला जंगल है जहाँ पे हम ना पानी तोड़ते हैं, तो उसके उस साइड हमारे जो खेत है ना वहाँ पे जा रखी है घास के लिए। तो आप वहीं जा रहा हूँ मैं मम्मी को लेने। एक बार आ गया था फिर रस्सी भूल गया था, और फिर अभी इसको किसी और की गौशाला से लेके आया हूँ। तो आज के ब्लॉग को जो है ना यहीं से शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वा ब्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह काम में व्यस्त होंगे। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो बारिश जो है इतनी ज़्यादा लग रही है कि नेशनल हाईवेज खाली ब्लॉक हो रहे हैं और आने जाने के रास्ते जो है बिल्कुल नहीं बचे हुए। तो चले चलते हैं और मम्मी से कुछ घास लेके घर चलते हैं। तो शाम के जो है वो 3 बज रहे हैं और मुझे जाना पड़ रहा है कंसली। तो जो आपने पुराना ब्लॉग्स देखा था जिसमें एक छोटा बच्चा जो है गाना लगा रहा था, तो आज उसका बर्थडे है आयुष का, और उसका केक गलती से पहुंच चुका है कहाँ भाड़ज। और भाड़ज पहुंचने के बाद पापा को फ़ोन आया कि अरे जो केक है वो गलती से भाड़ज पहुँच गया है। तो उन्होंने किसी स्कूटी वाले के पास वो केक दिया हुआ है कंसली पे। तो अब मुझे यहाँ से कंसली जाना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ कि आजकल संतोष भाई के पास स्कूटी है, वरना पैदल भागना पड़ता इतना। और चलो कंसली जाते हैं, सबसे पहले स्कूटी के पास चलते हैं, फिर कंसली चलते हैं, केक लेके आते हैं और आयुष को उसका केक देते हैं, फिर उसे जो है उसके जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो केक तो मिल गया, अच्छा हुआ कि कहीं और नहीं गया, ज़्यादा दूर जाता ना तो लेने भी कौन जाता। और आयुष का केक अब ना केक को मैं अपने घर लेके जाऊंगा, और फिर आयुष और ये जो भी आएंगे केक को लेने के लिए मैं ले तो आया हूँ। और अभी शाम को उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा ना, तो देखेंगे अगर हम इनवाइट होंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। नहीं इनवाइट तो होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग बात है कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं डेफिनेटली पक्का जाऊँगा, और नहीं होगा तो यार फिर भी देखेंगे जो भी होगा। कोशिश तो यही करेंगे कि हम भी सेलिब्रेशन में पहुंचे। क्यों चाची ये मैं ले जाऊं, मैं भी चाहती हूं जा ना छोड़ा दे दे। अब मैं तो नहीं बुलाऊं बर्थडे में, बुलाओ तुम आ ना, तुम आ ना या बाय। एक मुंह काट दे केक को, अरे हमें हम काट दा ले रे लो यार। तो शाम के जो समय है वो 4:30 बज रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ खेत पे। तो खेत पे जो है वो कोल निकाली हैं, कल जो हमने धान काटी है, तो परसों में उसकी मंडाई का टाइम हो जाएगा, यानी परसों से हम उसकी मंडाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो खेतों में पानी भरा हुआ है ना उसको निकालने के लिए जो कूल है ना, यानी जो ऊपर जो नहर टाइप की होती है जिससे पानी बाहर जाता है, कूल बोलते हैं उसे, मिट्टी की होती है, तो उसे ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले जाके, तभी मंडाई के लिए वहाँ पे ठीक हो पाएगा। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसी कूल होती है और क्या होता है। तो चलिए चलते हैं खेत में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे। तो इसको बोलते हैं कूल, और ये सारा पानी जो जा रहा है वो यहाँ से जाएगा हमारे दूसरे खेत में। अब वो देखो वहाँ निकल चुका है सारा पानी, तो खेत में आजकल पानी पानी हो गया, और परसों जो है हमारी धान की मंडाई हो जाएगी, तो उसके लिए खेत में बहुत ज़्यादा पानी है। फिर हम पराल को यहाँ पे घाम नहीं डाल सकते, पराल यानी धान की घास को। पापा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो पानी है ना उसको इधर के लिए निकाल लें,
और मैंने भी फावड़े से काफ़ी ज़्यादा पानी को निकाल दिया है। अब ये देखो कोल बना लिया ना, और दूसरे खेत में आप इसके बाद इस खेत में बनानी है। और सबसे पहले उस बंदे ने मुझ पर आफत निकाल रखी है कि उसका एक शॉट बनाना है सिनेमैटिक। क्या करें, जाऊं या ना जाऊं? हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। उसका सिनेमैटिक शॉट बनाना भी ज़रूरी है। जब तक वो थोड़ा वहाँ पर बिजी है ना, तब तक मैं इस वाले खेत का काम कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो है फिर काम आसान हो जाए ना। फिर एक ही काम बचेगा उसके वीडियो बनाने। और ये देखो ऐसे निकालते हैं, कुआ पानी होना थी भाई छुट्टी याद आ खाने या कुछ बढ़िया तब आना सो स्कूल भी कर ली बाबू, पयाक भी लगी हूँ, ये तगड़े वीडियो भी पढ़े ली है ना। तो अब जे घर जोला चल जा के घर। तो खेत में जो पानी था ना वो सारा निकासी कर दिया, यानी अब मंडाई के लिए पानी जो है वो खाली हो जाएगा। और अभी जो है घर चलते हैं। ओए ओके खान, देखो बोला था ना बर्थडे का केक लेके आए थे, बर्थडे के केक, बर्थडे में इनविटेशन आ गया। अब तो आना ही पड़ेगा है ना, आना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ तो घर चलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा उस हिसाब से बनते हैं और फिर आते हैं। तो घर भी आ गए और अब हम जा रहे हैं अमरूद चोरने। बहुत सारे अमरूद हो रहे हैं यहाँ तो। कच्चे अमरूद खाने का शौक है ना हमें। इस पे जो ये पके अमरूद है इन पे थोड़ा ख़राब है, इन पे कीड़े हो रखे हैं, इसलिए हम खा रहे हैं। जितने भी खा रहे हैं वो सारे पके अमरूद खा रहे हैं। ये कच्चे अमरूद खा रहे हैं हम, पके एक भी नहीं खा रहे, क्योंकि कच्चे अमरूदों पर कीड़े नहीं हैं इस वजह से। तो घर आ गए और बिल्कुल मुँह हाथ धो के तैयार एकदम। और अब जो है हम क्या करने वाले, सबसे पहले अमरूद निकाल ले आए हैं, अमरूद खाते हैं और फिर देखते हैं क्या हमारा प्लान होता है। अगर बर्थडे पार्टी का प्लान होगा तो बर्थडे पार्टी में जाएंगे, और अगर बर्थडे पार्टी का प्लान नहीं होगा तो बर्थडे पार्टी में नहीं जाएंगे। तो जिस हिसाब से जो भी होगा ना वो प्लान बनाते हैं। हमारे घर पे आया काकड़ी का चोर, ये देख रहे हो तुम। अगर हमारी एक भी काकड़ी गायब हुई सबका जिम्मेदार ये होगा। ये वही आदमी है जो औरों की काकड़िया अमरूद बिना पूछे चोर चार के घर ले जाता है। ध्यान से देखिए इस शख्स को, ध्यान से जूम करके ये देखो, इसकी शक्ल देखिए कितना मासूम दिखता है, और काम देखिए इसके। तो जो आज का ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय दोस्तों।